प्रशांत, जो टेलीकॉम प्लेज हैं इंडिया में, एक तो ट्रेडर फेवरेट है वोडाफोन, उसके बाद भारतीय जो धीरे 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 चलता हुआ ऑलमोस्ट 725 के आसपास आ गया है, और हिडन प्लेयर है जो भाव में रिलायंस के एक्चुअली कैप्चर होता है, बट वो 1/3 ऑफ द बिजनेस है। एनीवेज, आप भारतीय और इस वोडाफोन के बारे में बताएं चार्ट्स पे। अजय जी, भारतीय एयरटेल को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक बहुत प्राइस में, जिसे नर्वसनेस कहते हैं, वैसे दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट के बाद ऊपरी लेवल पे सस्टेन किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो दो तरीके से बात करूंगा, जिनके पास भी पोजीशन हो उनको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 735 पे। जब तक 735 इंटैक्ट है आप इसमें बिल्कुल निवेशित रह सकते हो, कोई भी मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और जिनको न्यू लेवल पे लेना है तो वो करीबन, अगर ये स्टॉक हमें 745 और 750 के रेंज में मिले तो हम बिल्कुल इसको 735 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक पिकअप हो सकता है। इसी के साथ इस आईटी सेक्टर में एक जो मिड और स्मॉल, ये टेलीकॉम सेक्टर में 5G रेवोल्यूशन से जो एक मिड और स्मॉल कैप स्टॉक जो मुझे काफी वक्त से मेरे रडार पे रहा है और मैंने काफी बार इसके बारे में बात भी की है, वो है सुबेक्स। काफी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन इस पे हुआ है मंथली चार्ट पे, और मुझे लग रहा है एक बार करीबन 42-43 रेंज में ये चल रहा है। एक बार ये स्टॉक 47 के लेवल को क्रॉस कर जाए, मुझे लग रहा है इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 40, और ये स्टॉक एक बहुत बड़ा इस 5G का बेनिफिशियरी हो सकता है। तो एक फ्रंटलाइनर्स में भारतीय और एक स्मॉल मिड कैप सेगमेंट में सुबेक्स, ये दो स्टॉक मुझे इसके मेजर बेनिफिशियरीज लग रहे हैं। प्रशांत, एक बार JSW एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी पैक को काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, JSW एनर्जी हमने देखा था कि जब पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी, उनको माइनिंग ऑपरेशंस अपनी एक सब्सिडियरी पे शुरू होने की परमिशन मिली थी, तो स्टॉक ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया था। लेकिन कल आप थोड़े से यहाँ शॉर्ट्स बनते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं वहाँ, कैसे चार्ट्स पर एक्सपेक्ट करना चाहिए, आज क्या मूव आ सकता है? जी प्रियंका, ये स्टॉक जब मैं चार्ट पे देख रहा हूँ, करीबन अभी ये 360 चल रहा है, इसको एक क्लियर रेजिस्टेंस है 380 पे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जिनके पास भी ये स्टॉक होगा उनको एक स्टॉप लॉस रखना होगा स्ट्रिक्ट। अब फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत नजदीक रेजिस्टेंस है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, प्राइस वॉल्यूम दोनों एक्शन सिंक में है। तो जिनके पास पोजिशन हो वो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे स्ट्रिक्टली 340 का, 340 का। और जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी हो, वो अगर उनको 345 तक डिप मिल जाए तो ले सकते हैं। इस लेवल पे न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी, और टारगेट हम 380 के आसपास रखेंगे, जो कि एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो JSW एनर्जी पे फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, देखना होगा कि यहाँ आज किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करता है, प्री ओपन किस तरह से दिख रही है। प्रशांत, वेरी क्विकली योर व्यू। मुझे गुजरात अल्कली बेस्ड ऑन द प्री ओपन बहुत अच्छा लग रहा है, करीबन ये 940 चल रहा है, और इसको हम हर डिप पे बाय कर सकते हैं, और इसको 915 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपरी लेवल्स के लिए रेडी हो रहा है, और इस स्टॉक में मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूंगा। क्या होगा ओपनिंग ट्रेड आपका प्रशांत, मार्केट को देख के? वेरी क्विक प्लीज। प्रियंका, मारुति से बेटर, मुझे मारुति एक रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, मुझे आयशर मोटर ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक सपोर्ट पे है, तो आयशर मोटर मुझे यहाँ से बाय करने के लिए अच्छे लेवल्स पे लग रहा है, करीबन 2525 चल रहा है, और इसको मैं यहाँ से 50 पॉइंट नीचे 2475 का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल लेना चाहूंगा। ओके, तो क्लियरली आयशर मोटर्स 2525 के लेवल्स पर अभी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कमजोरी है, गिरावट में एक बार खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं।